प्यारे दोस्तों, आप जो पाइंड का ऑयल बाजार से खरीदते हो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जिससे आपको हार्ट प्रॉब्लम्स तथा जॉइंट पेन हो सकता है। इसलिए आज हम सिखाएंगे कि आप रिफाइंड ऑयल को घर में कैसे बना सकते हो। प्यारे दोस्तों, रिफाइंड ऑयल को घर में बनाना बहुत ही आसान है। आपने सरसों देखी होगी, तो सरसों को आप किसी भी जहां कच्ची घानी का तेल बनता है वहां से पिसवा कर उसका तेल निकाल सकते हो। तो ये सरसों का तेल है, ये सरसों का तेल बिल्कुल ही ओरिजिनल है, जिसे आप घर पर ही बना सकते हो यदि आपको तेल निकालने वाली मशीन है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिफाइंड ऑयल में। इस सरसों को तेल को जब हम कन्वर्ट करेंगे तब इसकी जो आपको कुछ तीखा सा लगता है, कुछ टेस्ट अच्छा नहीं लगता, तो जब रिफाइंड ऑयल बन जाएगा तो टेस्ट अच्छा बन जाएगा। तो ऐसा ये बनेगा। तो आज हम इसे बना के दिखाते हैं अपने किचन में, आइए देखते हैं। प्यारे दोस्तों, आपने ये जो सरसों का तेल है ये लेना है, जितना भी हो, 250 ग्राम, आधा किलो, जितना भी होगा। हम एक सैंपल ले रहे हैं। तो ये आपकी फ्राई पैन है, ये आपका गैस है, आपने सरसों का तेल इसमें डाल देना है, गैस को तेज कर देना है 5 या 10 मिनट, या जितना आपका है गैस उतनी देर इसको चलता रहे जब तक ये इसका रंग ब्राउन ना हो जाए। ओके, तो ये ऐसे चलता रहेगा। प्यारे दोस्तों, यह जो सरसों का तेल था इसमें डाला था, अब ये बन चुका है, गैस भी हमने बंद कर दिया है। देखो ये इसका धुआं निकल रहा है, तथा अब यह बहुत ही टेस्टी रिफाइंड ऑयल बन गया है। बहुत ही सस्ता बनता है, घर में बनता है, तथा हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे आपको कभी भी जॉइंट पेन नहीं हो सकता, जो जॉइंट पेन होता है। ठीक है जी, इसको आप यूज़ कर सकते हो।